एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम दिल्ली सचिवालय, जहां सरकार चलाई जाती है, सारे आला अधिकारी यहां बैठते हैं और यहां डॉक्टर्स, एएनएम और इत्यादि जो कर्मचारी हैं यहां दिल्ली हाय हाय के नारे लगा रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए 18 सितंबर से लगातार यहां अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। इन डॉक्टर को, इन एएनएम को, जो हॉस्पिटल में होना चाहिए, डिस्पेंसरी में होना चाहिए था, आज ही अपनी मांग को लेकर यहाँ दिल्ली सचिवालय पर बैठे हुए हैं। दिल्ली सचिवालय मात्र यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है और आला अधिकारियों के कान में अभी तक कोई जू नहीं रेंग रही है, ना इनकी बातों को सुन रही है। एएनएम की जो लीडर हैं उनसे बात करते हैं कि दिल्ली सरकार से इनकी क्या बातें हुई हैं। इतने दिन हो गए हैं तो दिल्ली सरकार से आपकी कोई कार्रवाई हुई है? दिल्ली सरकार से आपकी किस तरीके से वार्तालाप हुआ? सर, जैसे कि हम 18 तारीख से बैठे हैं, हम लोग सारे एनआरएचएम के हैं, पहले भी बताया था, हम लोग 2700 लोग हैं जिसमें जो दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन के अंडर काम करते हैं और इसमें हमारी एएनएम, स्टाफ नर्सेज, सीडीओ, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसिस्ट और 11 वर्टिकल प्रोग्राम्स आते हैं। तो एक ही 18 तारीख से लगातार एक ही बात करते आ रहे हैं कि सेम वर्क सेम पे। इससे पहले भी हम कई बार हड़ताल कर चुके हैं, 2017 में भी जनवरी में हड़ताल की थी और उसमें सर ने कहा था कि उन्होंने एक पेपर पे लिख के दिया था कि मार्च तक आपका परमानेंट हो जाएगा, सेम वर्क सेम पे हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। 6 महीने हम हर जगह, हर लेवल पे हमने धक्के खाए। एमडी सर के यहाँ, मिशन डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम के यहाँ, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ, सबके यहाँ हमने बात करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हार के फिर हमें हड़ताल पर बैठना पड़ा 18 तारीख से। अब हम 18 तारीख से हड़ताल पर बैठे हैं, 24 तारीख को हमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाया था और उन्होंने हमें एक नोटिंग दिखाई, कहा कि दिल्ली सरकार आपका ये कार्य करना चाहती है, जिसमें लिखा था कि इनकी मांग जायज़ है और ये इक्वल काम करते हैं जो रेगुलर एम्प्लॉय गवर्नमेंट का करता है, तो इनकी मांग मान ली जाए। और उन्होंने एक नीचे लिखा था, ये सर्विस मैटर है इसलिए फाइल एलजी सर को जा रही है। इसके बाद हम एलजी सर से मिले, उन्होंने कहा अभी 2-3 दिन अवकाश छुट्टी कर रहेगी तो हम फाइल नहीं देख पाएंगे, आज वो हमें बताएंगे क्या होता है। पर हमारी दिल्ली सरकार से डिमांड है, जब हम उनके लिए काम करते हैं, उनके पास 2017-18 में 5735 करोड़ का बजट आया है, तो हमें क्यों इधर उधर जाना? हम तो दिल्ली सरकार से ही मांगेंगे ना, क्योंकि डिस्पेंसरी हम उनकी चलाते हैं, हॉस्पिटल्स उनके चलाते हैं, सीएचपीएससीज उनके चलाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक उनके चलाते हैं, तो दिल्ली सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही? 2700 लोग जो यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, जिनका स्थान यहाँ नहीं है, जिनका स्थान अपनी अपनी डिस्पेंसरियों में, जिनका स्थान आउटरीच में है, जो बच्चों को टीकाकरण के लिए, जो गर्भवती महिलाओं की जाँच के लिए एएनएम दीदी को काम करना चाहिए, वो आज यहाँ नारेबाजी कर रही है और डॉक्टर्स होकर हमें यहाँ नारेबाजी करनी पड़ रही है कि हमारा पैसा सेम वर्क सेम पे दीजिए। डॉक्टर्स का बंदा जो दवाई देता है हर दिन उसको दवाई देनी मरीज को बहुत ज़रूरी है, वो आज यहाँ नारे लगा रहा है केवल सेम वर्क सेम पे के लिए। तो सरकार हमारी तरफ से इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही है? हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी कोई मंशा नहीं है सड़कों पर बैठने की या यहाँ नारेबाजी करने की, हमारी एक ही उद्देश्य है कि सरकार हमारा सेम वर्क सेम पे कर दे जिस कैटेगरी में आता है और हम अगले दिन ही उठ जाएँ। पर इस बार हम सब कुछ रिटर्न में लेके जाएंगे, कुछ वर्बल नहीं, कुछ ऐसे एश्योरेंस नहीं, क्योंकि जो एश्योरेंस पिछली बार लिखा था तो उसका हमें आंसर मिला। सर ने लिखा एग्जामिन दिस मैटर, तो हमारे अधिकारी बोले हमने एग्जामिन करके भेज दिया, पर इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। अब हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारे गजट हमें दे दे कि हाँ आपका सैलरी हो गई है, हम अपने घर जाएं। सरकार ने आंगनबाड़ियों को दिया, आशा बहनों को दिया, सरकार की देने की नीयत है, पता नहीं हमारे तक देने में, एनआरएचएम के कर्मचारियों को तक देने में वो क्यों हाथ से कोड़ लेती है। तो हमारे सरकार से ये निवेदन है कि प्लीज़ हमें एलजी के पाले में दिल्ली इधर उधर घुमाने से अच्छा सरकार हमारी एक बात सुने, हमारी बस यही सरकार से उम्मीद है। डॉक्टर अलका जी की मांग है कि जो हमारा जो मांग है उसको पूरा किया जाए।